हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट्स के अंदर किस तरीके से डिपार्टमेंट को असेसी का असेसमेंट करना है, उसकी क्या रेलिवेंस है, इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। केस का नाम है खन्ना इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 161 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 अक्टूबर 2023 को आया। 1 अप्रैल 2021 से पहले जितनी भी सर्चेज हुई उनका असेसमेंट सेक्शन 153A के अंदर होना है। यदि किसी असेसी के यहां सर्च होती है, उदाहरण के तौर पर कोई एक असेसी है आर, उसके यहां यदि सर्च होती है तो यदि आर असेसी की असेसमेंट होनी है तो वो सेक्शन 153A में होनी है। और यदि आर जो असेसी है उसके यहां जो सर्च हुई है उसके यहां किसी और असेसी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उस असेसी की सर्च सेक्शन 153C के अंदर होनी है। प्रेजेंट केस में एक आर असेसी के यहां सर्च हुई, कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला जो कि ये दिखाता था कि किसी और असेसी ने जो कंस्ट्रक्शन की है उससे रिलेटेड कुछ कैश पेमेंट्स की गई हैं। जिस असेसी से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स मिले थे बाद में डिपार्टमेंट ने उसके यहां भी सर्च कंडक्ट कर दी, लेकिन जो दूसरे असेसी के यहां सर्च की गई उसके यहां कोई भी ऐसा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला जो कि इस बात को दिखाता था कि उस असेसी ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई कैश यूज किया है जो कि बुक्स में अकाउंटेड नहीं है। जब दूसरे एसएससी के यहां सर्च हुई और उसके यहां डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले और उसकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो आर एसएससी के यहां जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने डीवीओ को रेफर किया, डिपार्टमेंट वैल्यूएशन की ऑफिसर की रिपोर्ट ली और दूसरे असेसी की असेसमेंट सेक्शन 153A में इसलिए की क्योंकि असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि आर के यहां भी सर्च हुई और जो दूसरा असेसी है जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसके यहां भी सर्च हुई। तो जो दूसरा असेसी था जिसके यहां सर्च हो चुकी थी तो अब उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में डिपार्टमेंट ने की, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स यूज किए जो डॉक्यूमेंट्स आर के यहां मिले थे और उसके बेसिस पर डीवीओ को रेफर करके एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ली गई और उसके आधार पर एसएससी का असेसमेंट कर दिया गया। सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपेल रखा, एडिशंस को अपेल रखा और मैटर ट्रिब्यूनल में गया। एसएससी का यह कहना था कि साहब यदि किसी और एसएससी के यहां सर्च हुई उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल यदि मिला जो कि मेरे अंगेंस्ट यूज करना है तो मेरी असेसमेंट उस इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर जो कि दूसरे एसएससी के यहां मिला है मेरी असेसमेंट सेक्शन 153C में होनी चाहिए। यदि मेरी असेसमेंट 153A में हो रही है तो किसी और एसएससी के यहां सर्च में जो पेपर मिले हैं उनको मेरी असेसमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जब ट्रिब्यूनल ने यह पूरा मैटर सुना तो ट्रिब्यूनल का यह ओपिनियन था कि जितने भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल थे वो एसएससी के यहां सर्च में नहीं मिले थे, आर की सर्च में मिले थे। यदि रेवेन्यू को वो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल एसएससी के लिए यूज करना था तो सेक्शन 153C में असेसमेंट करनी चाहिए थी, ना कि 153A में। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो डीवीओ को जो रिपोर्ट के लिए रेफर किया गया वो रिपोर्ट भी खाली एक एस्टिमेशन के बेसिस पर है, उसके अंदर काफी सब्जेक्टिविटी है और वो प्योरली एक सरमाइसिस के ऊपर बनाई गई है जिसको रिलाय नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153A में की गई है और कोई और असेसमेंट इसमें अबेट नहीं हुई है तो उस परिस्थिति में भी वो डॉक्यूमेंट्स जो कि दूसरे एसएससी के सर्च में मिले हैं लेकिन एसएससी से रिलेटेड है वो यूज नहीं किए जा सकते। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है खन्ना इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 161 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।